Hello friends, I am Supriti Srivastav, professor in Truba College and मैं computer science department में work करती हूँ from 7 years. मुझे teaching का experience है and I really love teaching and studying, reading new books. So ये वाली जो series मैं बना रही हूँ वो software architecture subject की है. इसमें like kind of ये एक realistic subject है. आप इसे एज एन 7 semester में पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स. और अदर देन दैट अगर आप जब भी खुद का कुछ बिजनेस या फिर स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्ट करते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि फेजेस में कैसे काम होता है. डिफरेंट डिफरेंट एक बड़ी सी टास्क को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है जिससे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काम असाइन किए जाते हैं जिससे कि वो काम आसानी से हो सके. अदर देन दैट आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो भी ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा. ये आपको रियल लाइफ में काम आएगा. इस सब्जेक्ट में एक तरीके से सारी दूसरी जो अभी तक आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज उनके आर्किटेक्चर्स मॉडल्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं सब चीजों को मर्ज किया गया है. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो मैंने जो पीपीटी बनाया है मैं उसे शेयर कर देती हूँ. यस, ये पीपीटी जो है तो जैसा कि आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक आपको बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा होगा. तो जैसे कभी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं किसी बिल्डिंग को बनाना है तो डायरेक्टली हम जो ईंट पत्थर ब्रिक्स और मॉर्टर होता है उससे नहीं स्टार्ट कर देते हैं. वी स्टार्ट विथ दिस काइंड ऑफ मॉडल. हम ऐसा पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं. तो सेम इज विथ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. उसमें भी हम यही करते हैं कि पहले पेपर पे हम राइट डाउन करेंगे क्या क्या चीजें हैं उसमें रिक्वायर्ड हैं. तो इन सिंपल वर्ड्स हम इसे ब्लूप्रिंट ऑफ सिस्टम कह सकते हैं. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को सिस्टम का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम इसके बारे में जानते हैं. सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स यानी जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है सॉफ्टवेयर का वो होता है इसमें डेटा स्ट्रक्चर, कैसे डेटा ऑर्गेनाइज किया गया है, एल्गोरिदम्स होती हैं, रिलेशनशिप क्या है दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के बीच में, डेटा फ्लो कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स डिपेंडेंसीज होंगी. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में से कहें तो सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि हेल्ड होते हैं टुगेदर एक दूसरे से किसी रिलेशन के द्वारा हेल्ड होते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. और उस सॉफ्टवेयर सिस्टम में कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो यानी इन सिंपल वर्ड्स सेट ऑफ एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय रिलेशन, कई एलिमेंट्स जो कि एक दूसरे से किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं और उस सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है आर्किटेक्चर जो है वो कई सारे स्ट्रक्चर से बना हुआ है. सेकेंड, अब हमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि रियल वर्ल्ड सिस्टम जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. काइंड ऑफ अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर दिया जाएगा तो एक ही इंसान उस पर नहीं वर्क कर पाएगा, उसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, कई चीज होंगी. तो हम उसे कोई भी कंप्यूटर साइंस में कोई भी अप्रोच हो तो हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में और एक दूसरे को दे देते हैं कि कोई इंसान इस पे काम करेगा, कोई दूसरे मॉड्यूल पे काम करेगा, लाइकवाइज. तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अब क्यों यूज होता है? जब हमें टीम्स हैं हमारे पास और हम पैरेलली साथ ही साथ काम कराना चाहते हैं उन टीम्स को तब बोलते हैं हम. इंटीग्रेटिंग कंपोनेंट्स, जब हमें कंपोनेंट्स वो हमने पैरेलली काम करा रहे हैं, एक टीम किसी रिक्वायरमेंट फेज पे काम कर रही है, एक प्लानिंग फेज पे काम कर रही है, कोडिंग पे काम कर रही है, एक इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही है, लाइकवाइज टेस्टिंग पे, तो आप उन्हें इंटीग्रेट करेंगे, मिला लेंगे और फिर क्या डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर बनता है तो उसे देखेंगे. Planning and defining strategies for software testing, understanding big picture of system. अब किस-किस को software architect से काम पड़ता है या software architect आपको बनना है अगर तो आपको किस-किस के साथ काम करना पड़ेगा? तो एक चीज मैं बहुत ही important आपको बता दूं कि जैसे software architect आप बनना चाहते हैं
तो आपको लाइक ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में, आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप सबसे कम्युनिकेट करो टीम के हर मेंबर्स से. अदर देन दैट, इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि करेंटली कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छा काम कर रही है, कौन सी फ्रेमवर्क अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक ओवरव्यू सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. आप में टीम वर्क होना चाहिए, आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए. देयर शुड बी मेनी थिंग्स दैट शुड बी देयर, मेनी स्किल्स दैट शुड बी देयर इन यू. ओके, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को एनालिस्ट से बात करना पड़ता है, टेस्टर से, सिक्योरिटी ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर और डेवलपर, इन सभी लोगों से उसे डील करना पड़ता है. यानी ओवरऑल सबसे ही उसका कम्युनिकेशन रहेगा. नाउ ये बेसिक कंपोनेंट्स रहेंगे, कंपोनेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर का एब्स्ट्रैक्ट रहता है, कनेक्टर्स जो कि एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन टॉपोलॉजीज होती हैं और सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है, उनके बारे में हम बात करेंगे. अब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सपोज हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 5000 लाइन ऑफ कोड्स है और दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसमें 500 लाइन ऑफ कोड है. अब किसमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जरूरत होगी, आप खुद सोच के देखिए. सबसे ज्यादा जरूरत होगी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की 5000 लाइन वाले में, इन सिनेरियो में, क्योंकि इसमें ज्यादा लाइन ऑफ कोड है. बाकी 500 लाइन वाले में कोड में तो हम जस्ट क्लास डायग्राम या डायरेक्टली कोड कर सकते हैं. तो जिसमें ज्यादा कोडिंग होती है, इन दैट वी विल रिक्वायर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एडटेक कंपनीज के स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया था एंड मैंने वेदांतु में भी वर्क किया है फॉर वन वर्क. वेदांतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन टीचिंग की जाती है और कंटेंट को बहुत ही इजी वे में कन्वे किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए और वन टू वन टीचिंग होती है. तो इस पेंडेमिक के टाइम पे भी एडटेक कंपनीज ने, स्टार्टअप ने बहुत अच्छा काम किया है. दे हैव अर्नड अच्छा नाम भी कमाया, अच्छा पैसा भी, रेपुटेशन भी, सब कुछ, एंड अच्छा बिजनेस किया है. तो एडटेक क्या होती हैं कंपनीज, जो कि हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करती हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी से, उसे कहते हैं. इससे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी. और अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अब ये सारी कुछ कंपनीज हैं जिन पे मैंने थोड़ा सर्च किया था. वेदांतु जिस पर मैं खुद काम करती थी, बायजूस, वाइट हैट एंड ऑल, ये सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है. इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है, $100 billion का अर्न किया है इन्होंने. तो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की है हमें टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यू शुड बी लाइक अवेयर ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज दैट यूज्ड इन द करेंट सिनेरियो. क्या क्या, जिससे कि आप समझ सकें कि हमारे सॉफ्टवेयर मॉडल के लिए कौन सी सबसे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी. तो जस्ट एक ओवरव्यू मिल सके कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, इस वजह से मैंने ये बनाया था. तो ये जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है, एडटेक इज प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आईटी टूल्स इनटू क्लासरूम टू क्रिएट मोर एंगेजिंग, ज्यादा एंगेज हो सकें स्टूडेंट्स क्लास में और इंडिविजुअली लर्न कर सकें. टूडेज आज के क्लासरूम जो है वो पहले जैसे ऐसे नहीं है कि भारी भरकम हमें लैपटॉप कैरी करना पड़ रहा है या बैग लेके जाना पड़ रहा है. वंस वी वर इन कॉलेज तो हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी, बट आजकल तो ऐसा भी प्रोसेस है कि टैब के थ्रू वी कैन, यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो कि कन्वे कर रही हैं मटेरियल. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, क्लाउड के थ्रू स्टूडेंट्स होमवर्क शेयर कर सकते हैं, कोई भी लाइक लेक्चर को दे कैन जस्ट वॉच इट एट एनी टाइम विदाउट एनी डिले. अदर देन दैट शेयर कर सकते हैं काफ़ी कुछ. तो क्लाउड एक ऑनलाइन स्टोरेज होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी. अब कौन कौन सी कंपनीज ने इसे यूज़ किया है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग होमवर्क टेस्ट रिलेटेड मटेरियल को शेयर करने के लिए यूज़ होता है और 24/7 एक्सेस कर सकते हैं आप वाईफाई के थ्रू. अदर देन दैट स्मार्ट बोर्ड्स जो होते हैं वो भी एक एग्जांपल है किसका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का. तो कोर्सरा आपने माइट बी, यू माइट हैव डन फ्यू सर्टिफिकेशंस, उन सर्टिफिकेशंस में आपने जो ऑनलाइन कर रहे हैं आप, तो कोर्सरा इज वर्किंग ऑन क्लाउड टेक्नोलॉजी ओनली, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है. प्लस गूगल क्लासरूम जो है जिसमें आप
के स्टडी मटेरियल शेयर करती होंगी टीचर्स एंड ऑल, बिकॉज ऑफ लाइक कोविड अब हम लोग आइसोलेटेड हैं, तो दिस हैज लाइक अ ह्यूज हेल्प फॉर अस. और गूगल शीट्स होती हैं, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है इन स्पाइट ऑफ लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके पास वो है कि नहीं, डजंट मैटर, आप किसी भी एरिया से कर सकते हो. ऑनलाइन स्टोरेज एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो गया है. तो कोर्सरा और गूगल यूज कर रहे हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी को. इसके अलावा बिग डेटा जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उससे जो है टीचर्स वो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स और परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं, एज वेल एज उसका स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आगे वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसको भी रेक्टिफाई कर लेते हैं. सो अब मैं बात करूंगी, ये मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज ढूंढी थी, अब आई विल टॉक अबाउट कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी के बारे में. इसे हम SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं. तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कि हमें क्यों जरूरत होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल्स की. तो द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिफाइंस एंड ऑर्गेनाइजेस द टास्क नेसेसरी टू कंप्लीट the development of software. It is the structure and steps the development team follows on all of their projects. तो ये एक life cycle type की होती है, beginning से लेके end तक की steps, stages होती हैं इसमें, और कुछ particular time पे complete करनी होती हैं, organize करते हैं task को, और जो एक team जो होती है वो इस पर project पे work करती है. तो कई सारे मॉडल्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, लाइक वाटरफॉल मॉडल, एजाइल है मॉडल है, इटरेटिव, स्पाइरल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. तो हम इन SDLC के बारे में पढ़ेंगे, पर पहले जान लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है SDLC. तो SDLC जो होती है वो फेजेस, द SDLC फेजेस एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी दैट अंडरलाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस. The goal is to ensure that final result are in line the quality and functionality expected of the organization. तो ये सारी चीजें बहुत important हैं कि quality के terms में और functionality के terms में जैसा expect किया गया है वैसा हमारा software बने, और जो complexity, जो उसमें problems हैं, जो भी चीजें हैं उसे solve करने के लिए और improve करने के लिए performance को ये process बनाया जाता है ना. तो इसके बाद है कि why software development teams need to implement and follow SDLC, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें सिर्फ डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग वर्क की भी जरूरत है, कम्युनिकेशन भी जरूरी है, टीम को पता होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चाह रहे हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, वो क्या ऑटोमेट कराना चाह रहे हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं. तो उसके लिए डिजाइनिंग तो जरूरी है, इंजीनियरिंग वर्क भी जरूरी है, कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन टीम्स के वो भी जरूरी है. ये कई सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जो हम लोग वर्क प्लेस में फेस करते हैं. आप अग्री कर सकते हैं इस चीज पे कि मीटिंग्स में कई टाइम चला जाता है, कई बार नॉन प्रायोरिटी टास्क जो होते हैं वो लोगों को असाइन कर दिए जाते हैं, लाइक इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्शन होता है या इनफ लोग नहीं होते हैं. तो ये सारी चीज़ें तो आपके एंटरप्रेन्योर, अगर आप स्टार्टअप भी बना रहे हैं अपना खुद का, तो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें फेस करेंगे. तो आपको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, और इसीलिए कोई पर्टिकुलर लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टाइम स्पेंड इन कम्यूटिंग, लोगों के आने जाने में भी टाइम लगता है. तो इसी वजह से इन सारे ऑब्स्टेकल्स को हमारी जो SDLC है वो ओवरकम कर रही है. तो देर आर मोर ऑब्स्टेकल्स, कई सारे और ऑब्स्टेकल्स हैं तो उनको, जो कि क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, और स्मूथली सारा प्रोजेक्ट हमारा हो जाए, कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे, मीटिंग चल हो, ऑप्टिमाइज वर्कलोड हो, इस वजह से ये बनाया जाता है. मैथडोलॉजीज SDLC और SDM एक ही चीज़ है. इंक्रीज इन डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर टू मीट customer needs effectively but with less cost and faster delivery has put tremendous pressure on modern. Now, to less cost honi chahiye, faster delivery honi chahiye.
कॉम्पिटिटिव भी होना है हमें, बिकॉज देर आर अदर कंपनीज एज वेल दोज हु वांट देयर प्रोजेक्ट्स. तो इस वजह से भी ये सारी चीजें मैथडोलॉजीज प्रैक्टिसेस प्रॉपरली चलें. विदाउट मीटिंग दीज चेंजेस आर नॉट प्रॉपर properly held or productivity drop hooking. So customer interaction at all level with the right methodology for implementing the software is crucial to any organization success. Now, अब क्या क्या phases होते हैं, ये आपने software engineering में भी पढ़ा होगा. Planning होती है, second analysis, requirement analysis, third design, fourth implementation, fifth test integration, sixth maintenance. तो ये सारे phases होते हैं. नाउ अब ये सारे फेजेस पे काम कैसे होता है, तो सबसे पहले प्लानिंग की बात करेंगे हम. तो प्लानिंग फेज जो होता है वो विल डिटरमाइन प्रोजेक्ट गोल एंड एस्टैब्लिश अ हाई लेवल प्लान इंटरडिक्टेड. प्लानिंग इज बाय डेफिनेशन अ फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल फेज. द थ्री प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग फेज आर आइडेंटिफिकेशन द सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट, टेक्निकल फीजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए हमें कि हमारे पास जितने भी टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो अवेलेबल हैं कि नहीं. ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, कितने स्किल्ड पीपल हमारे यहाँ हैं जिनमें स्किल्स हैं कि नहीं. इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, इसका मतलब हमारे पास पूरा प्रॉपर बजट है कि नहीं. क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, हमें प्रोजेक्ट प्लान भी बनाना है. तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक किसी एडटेक सॉफ्टवेयर कंपनी का, तो उसमें यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं वेदांतु का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो उसे अगर बनाना है जिसमें लर्निंग मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, डिफरेंट पीपल को जो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, और क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, प्लस वन टू वन क्लासेस हैं, सब प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हमें ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे जस्ट डिफाइन किए फर्स्ट फेज के लिए, कि यूज़र को रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉग इन प्रॉपर हो, लॉग आउट हो, डैशबोर्ड. डैशबोर्ड क्या होता है, एक ओवरव्यू होता है पूरी वेबसाइट का, एनालिसिस होता है कि कितने लोग ने सब्सक्राइब किया है हमारी वेबसाइट में, कितने पेड यूजर्स हैं, कितने अनपेड यूजर्स हैं, और भी सारी चीज़ें कि कितने फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, कौन से वीडियोस ज्यादा चल रहे हैं. तो उससे पूरा एनालाइज हो जाता है. ये एनालिसिस किया जाता है डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब के इसमें. अब नाउ आ जाते हैं हम सेकंड फेज के बारे में बात करेंगे. ड्यूरिंग दिस फेज ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टू डेवलप अ प्रोडक्ट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, है ना. यानी जो क्लाइंट होता है उससे हम डिस्कस करके क्या रिक्वायरमेंट है, वी विल गो थ्रू दैट कि क्या, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है व्हाट इट शुड डू. इट शुड नॉट हैव एनी एम्बिग्विटीज, मस्ट बी सॉल्व रिजॉल्व इन दिस फेज ओनली. कि कोई डबल मीनिंग ना समझ आए, कि मतलब आई मीन कोई ऐसा मीनिंग कंफ्यूजन ना हो. ओके, बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर सेट अप अ मीटिंग विद द कस्टमर टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट द कस्टमर वांट्स टू बिल्ड, हु विल बी द एंड यूजर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट. बिफोर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट अ कोर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बिजनेस एनालिस्ट होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, वो लोग मीटिंग सेट करेंगे और कस्टमर के साथ, और गैदर करेंगे सारी इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है, और बिल्ड करेंगे प्रोडक्ट को, है ना, और जानेंगे कि क्या है एंड यूजर कौन है जो इसे यूज करने वाला. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मनी ट्रांजेक्शन का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, इसमें मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पेटीएम है, और भी बहुत सारे हैं, है ना, गूगल पे है, ये सारे हैं. वैसे ही हमें बताना है, तो वी शुड अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट्स कि क्या, हाउ ट्रांजेक्शन विल बी, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी डन, है ना, हाउ इट विल बी डन, कौन सी करेंसी में होगा. तो जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाती है एंड एनालिसिस डन टू चेक द फीजिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी अ कॉल इज सेटअप. अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हम फिर से मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, सेटअप करेंगे, जिससे कि वी विल बी क्लियर अबाउट कि क्या हो रहा है. अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट होगा, जिसमें सारी चीज़ें स्पेसिफाइड होंगी. डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रूफ होगा कि यूज़र क्या चाह रहा है, कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो क्या काम करे. रिक्वायरमेंट एनालिसिस,
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूजर नेम इनपुट होनी चाहिए, पासवर्ड फील्ड होना चाहिए, सबमिट बटन होना चाहिए, और ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर के बारे में सेव होनी चाहिए डेटाबेस। थर्ड फेज है हमारा डिज़ाइन। डिज़ाइन फेज में हम डिस्क्राइब करेंगे फीचर्स और ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम, बिजनेस रूल, स्यूडो कोड, स्क्रीन लेआउट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो SRS होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो एक इनपुट की तरह ऐड करेगा, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो होगा वो आउटपुट बनेगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन होगा, जो कि बताएगा कस्टमर को कि व्हाट द सिस्टम हमारा क्या करेगा। सेकंड इज द टेक्निकल डिज़ाइन, जो कि बताएगा सिस्टम बिल्डर्स को कि टू अंडरस्टैंड एक्चुअल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। डिज़ाइन में हमारे यहाँ वी नीड टू फोकस ऑन आर्किटेक्चर, कैसा ब्लू प्रिंट होगा उस पर, यूज़र इंटरफेस, कैसे यूज़र इंट्रैक्ट करने वाला है, उसके पास फ्रंट स्क्रीन कैसी होगी एंड ऑल, कम्युनिकेट कैसे करेगा, सिक्योरिटी के लिए कैसे SSL प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम यूजली प्लेटफॉर्म एंड ऑल। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो क्रिएट यूज़र इंटरेक्शन इंटरफेस, डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, कोहेजन और कपलिंग, ये सारी चीज़ें भी उसमें बताई गई होंगी डिज़ाइन में। ओवरऑल ब्लूप्रिंट बताया होगा, आर्किटेक्चर, यूजर इंटरफेस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने फाइंड आउट किया है, जस्ट लेआउट बनाया, दिस कुड बी योर डिज़ाइन। नाउ कमिंग ऑन टू द कोडिंग फेज, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन इसमें कोडिंग की जाएगी। इन दिस फेज डेवलपर स्टार्ट बिल्डिंग द एंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड यूजिंग द चूज़न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कोड करा जाएगा। इन दिस कोडिंग फेज टास्क आर डिवाइडेड इन टू यूनिट्स और मॉड्यूल्स असाइन टू वेरियस डेवलपर्स। मॉड्यूल्स में छोटे छोटे डिवाइड कर दिया जाएगा और सब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को कोड करेंगे। डेवलपर्स नीड टू फॉलो सर्टेन प्रीडिफाइंड कोडिंग गाइडलाइंस की फॉलो कर, हाँ, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब चीज़ें होंगी प्रोग्रामिंग टूल्स जो कि इंप्लीमेंट करेंगे कोड। अब ये मैंने एक डेटा बेस कौन सा यूज़ हो रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है। आजकल सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन, विच इज़ वेरी सिंपल टू लर्न, वेरी इजी टू लर्न। आई सजेस्ट कि आप लोग उसे सीखें। नाउ नेक्स्ट फेज इज टेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। एवरी फेज इज इंपॉर्टेंट बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। With past software development, testing was seen as how something that was done after the development of all the software. तो unit testing की जाती है, like हर एक module के बाद testing होती है and then integrate कर दें, मिला दिए जाते हैं और फिर testing की जाती है। unit नाम से ही समझ में आ रहा है, unit यानी one, एक एक module को test किया जाता है फिर उसके बाद उनको integrate किया जाता है। फाइनल टेस्टिंग टेक्स इन टू द कंसिडरेशन टॉप कंसर्न, इंक्लूड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, स्केलेबल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन्वॉल्व्स लॉगिंग प्रोडक्ट डिफेक्ट एज रिपोर्टेड, ट्रैकिंग रिजोल्यूशन, अल्टीमेटली वेरीफाइंग दैट द चेंज मेड इज वर्किंग करेक्टली एंड बोथ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो ये बग को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रैक किया जाता है, सोल्यूशन को एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लॉग इन किया और वो लॉग इन ही रह गया और कोई और यूजर उसके थ्रू लॉग इन कर रहा है, तो ही वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग कि जो भी चीज़ें फर्स्ट यूजर ने लॉग इन किया है, जो भी चीज़ें कहीं भी उसके क्रेडेंशियल्स हैं, पासवर्ड एंड ऑल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लॉयमेंट फाइनल स्टेज इज दिस वन, कि जहाँ पे प्रोडक्ट हमें टेस्ट किया जाता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है, यूजर्स को दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट को टेस्ट करें और फाइनली लॉन्च होता है वेबसाइट। तो ये कुछ मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल है, तो ये वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। आई होप आपको ये जो वीडियो होगा थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी इसके थ्रू, कैसे मैं इसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। ये आगे के इसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से वेरियस मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के। थैंक यू। हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है चीज़ें। थैंक यू।